messed up. आर्यन जी कितनी वीडियोस देख ली पिछली? मतलब एक देख रहे हो आप पर डे? और भी देख लो यार, बाकी जल्दी देख लो, मेरे बोलने का मतलब ये है। सारे सब्जेक्ट की? फिर तो सारे सब्जेक्ट की क्यों, बाकी तो क्लासेस लगा रहे थे आप। अच्छा ठीक है। हमने स्टार्ट करा था वल्केनिक लैंडफॉर्म्स, यही था। एक पेज और लेके आई थी मैं, उड़ गया नीचे। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत पूछना चाहूंगी कि रिया, क्रेटर किसको कहा जाता है? क्रेटर वोल्केनो का माउथ होता है, फर्स्ट माउथ। अच्छा ये कहाँ है भाई पेन इसका, दूसरा वाला? सर पेन कहाँ है इसका दूसरा वाला? बोलो बोलो बेटा। वोल्केनो का माउथ छोटा वाला क्या होता है? क्रेटर। बड़े माउथ को क्या नाम दिया जाता है? ठीक है, सिंडर किसे कहा जाता है? कशिश, सिंडर, हाँ जो एशेज और ये सब निकलती है, जो फ्रेगमेंटेड वाली, वो तो मैंने अलग नाम बताया था, टेफ्रा। टेफ्रा लहर किसे कहा जाता है बताएंगे आप? योगेश, हाँ बारिश या फिर ऐसे बह के जो आता है और अपने पाथ को सबको डिस्ट्रॉय करता जाता है। इसके अलावा और क्या करवाया था मैंने? हाँ जी ये बिल्कुल, कनिका। एसिडिक लावा किसे कहेंगे हम? एसिडिक लावा जो थिक होता है। क्यों थिक होता है वो? क्या ऐसी चीज पाई जाती है उसमें जिसकी वजह से उसमें थिकनेस होती है? ए तू कनिका रुक जा, उससे पूछने से लेने मुझे, रुक जा दो मिनट। सिलिकेट्स पाए जाते हैं। बेसिक लावा क्या होता है कशिश? उससे कम थिक होता है, या सिलिकेट जिसमें कम होते हैं और जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है, जिसकी कंसिस्टेंसी हनी की तरह हो, शहद की तरह, वो एसिडिक लावा, और जिसकी वाटर की तरह हो वो बेसिक लावा। ठीक है, तो कल हमने ये पढ़ा था। अब लावा मैंने आपको कहा था दो तरह से इरप्शन होती है लावा की, यही किया था हमने। एक तो वेंट और दूसरा पढ़ा है, पढ़ा है इसका मतलब। देखो वेंट से कब होगी? जब कोई एक प्लेट अंदर धसेगी तो वेंट के थ्रू ऊपर आएगा ना, उसकी वजह से जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा ब्लास्ट होगा, ज्यादा बड़ा वोल्केनो आएगा। ठीक है, तो जो भी इससे आएगा वो कॉनिकल शेप में आएगा, जो भी इससे पहाड़ बने चाहे आइलैंड बने वो कॉनिकल शेप में बनेगा। वेंट कब बनेगा? जब कन्वर्जेंस होगी। क्या होगी? जब। और फ्यूचर कब बनेगा, यानी वो दरार कब बनेगी? जब क्या होगी? फीचर यानी ये प्लेट थी, दूर चली गई, थोड़ी दूर चली गई जिसके कारण दरार पड़ गई। अब मुझे आप एक बात बताओ, ज़्यादा प्रेशर से कौन सा वाले टाइप में लावा निकलेगा? इस टाइम पे ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा या इस टाइम पे? जब कन्वर्जेंस होगी तब ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा ना। क्यों निकलेगा प्रेशर से? जबकि कन्वर्जेंस हो रही है, मान लो ये क्रस्ट है, ये ओशनिक प्लेट है। ओशनिक प्लेट जैसे कि आपको पता है फीजर से जब ये लावा निकलता है तो बनता क्या है? सी फ्लोर। किसने? सी फ्लोर बनता है, यानी कि एक ना एक टाइम से ये जो पूरा का पूरा सी फ्लोर है ये किससे बना है? किससे बना है? फीजर के थ्रू बना है, डाइवर्जेंस के थ्रू, है ना। तो इसमें क्या पाया जाएगा? देखो मेरी बात सुनो, जो थिक लावा है उसको मूव करने में ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू लिक्विड के। तो आपको नहीं लगता कि जब डाइवर्जेंस होगी तो फीजर के थ्रू जो निकलेगा लावा ये बेसिक लावा होगा?
ये बेसिक लावा, क्यों बेसिक लावा होगा? क्योंकि इसको ज्यादा पुश की जरूरत नहीं है, ये जरा से दरार आई नहीं कि ये निकल गया, इसीलिए ये कुछ पहाड़ नहीं बना पा रहा है, समझ रहे हो? ये उठ के सीधा ऐसे गिर रहा है, सीधा ऐसे, ज्यादा से ज्यादा ऐसा डोम शेप बना पाएगा या ज्यादा से ज्यादा सी फ्लोर को स्प्रेड कर देगा, ऐसा है कि नहीं है? जिसका मतलब इस प्लेट में, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्लेट किससे बनी है? इसी से बनी है। सी फ्लोर स्प्रेड किससे बना है? बेसिक लावा से ही। यानी इसमें सिलिकेट्स की कमी होगी, होगी कि नहीं होगी कमी? फिर भी आपको मैं बताऊं तो, जब एक तरफ कॉन्टिनेंट की प्लेट है और एक तरफ ये वाली प्लेट है ओशन की, है ये भारी क्योंकि इसमें सीमा पाया जाता है, लेकिन सीमा इसमें कम भी तो पाया, सिलिकेट कम पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अंदर वाले मैग्मा के, जहाँ पे सिलिकेट्स थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। एसिडिक लावा, एसिडिक लावा कौन सा वाला है? जो मैग्मा के रूप में नीचे फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसमें सिलिकेट्स की क्वांटिटी क्या है? थोड़ी ज़्यादा। तो जब ये मूव यहाँ करेगा नीचे को, तो यहाँ बेशक सिलिकेट्स की क्वांटिटी क्या थी? कम थी, लेकिन ये जाके जो ये मैग्मा अंदर बैठा है, जो एस्थेनोस्फेयर में ये मैग्मा बैठा है, इसके साथ घुल जाएगा, मिल जाएगा, है ना, और क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण उसको पुश करेगा, समझ रहे हो? अब जो प्रेशर बनेगा ना, ज्यादा प्रेशर कौन बना पाएगा? ये वाला ये जल्दी रिलीज हो सकता है, लेकिन प्रेशर बिल्डअप किससे होगा? एसिडिक लावा से। जो एसिडिक लावा जब यहाँ निकलेगा और जिससे पहाड़ बनेंगे, ये एसिडिक लावा से बने हुए पहाड़ है, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि पूरा का पूरा सी फ्लोर जो है ये बेसिक लावा से बना है, इसीलिए, या फिर अगर बना भी है इससे आपके एसिडिक लावा से, तो कौन से वाले केस में बना होगा? जब ओशन और ओशन की प्लेट टकराएगी, आपस में कन्वर्ज होगी, समझे? उसी केस में नीचे जाएगा, उसी केस में आइलैंड्स बनते हैं, वरना आइलैंड नहीं बनते हैं। जब डाइवर्जेंस होती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सी फ्लोर स्प्रेड होता है और साथ में अंदर ही अंदर डोम शेप या कुछ थोड़ा बहुत ऊंचा उठता है, प्लेट्यू नहीं बना पाता है बेसिक लावा, माउंटेन नहीं बनाता है बेसिक लावा। समुद्रों के बीच में बड़े बड़े माउंटेन्स, ये बड़ा बड़ा लैंड, ये भी तो होता है, ये सारा एसिडिक लावा से बना है। कैसे बना है? कन्वर्जेंस से, और डाइवर्जेंस से क्या बना है? सी फ्लोर, समझे? क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ो फिर। तो इतना याद रहेगा आपको कि कन्वर्जन से ही माउंटेन्स और ऐसी चीजें बनेंगी, डाइवर्जन से क्या बनेगा? सी फ्लोर स्प्रेड होने वाला है बस, ठीक है? चलो हेडिंग डालेंगे आप लोग। पहले लिखो कुछ चीजें। Basic lava flows easily. That's why, in the case of divergence, बेसिक लावा कम्स आउट। बिकॉज इट इज मोर इजी टू फ्लो। यानी डाइवर्जेंस के टाइम पे ऐसा ही लावा निकलेगा जो जल्दी फ्लो कर सकता है और नीचे से फटाफट से बाहर आ गया, लेकिन जब कन्वर्जेंस होती है तब अंदर से लावा निकलता है जिसमें कि सिलिकेट्स की क्वांटिटी जो होगी ज्यादा होगी, और वो किसमें होती है? एसिडिक लावा में। क्लियर है? सेकंड पॉइंट लिखेंगे, प्लेट्यूज आर फुल ऑफ मिनरल्स। Plateaus are full of minerals because they are made up of basic lava. समझे क्या मतलब हुआ इसका? मैंने आपको बताया था ना, बेसिक लावा में 40% क्या पाया जाता है?
सिलिकेट और 60% अदर मिनरल्स होते हैं, इसीलिए प्लेट्यू में या ये जो सी फ्लोर होता है आपका, इसमें ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, ज्यादा मिनरल्स क्यों, क्योंकि ये किससे बना है, बेसिक लावा से। क्लियर है मेरी बात? हेडिंग डालिए वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। एसिड और बेसिक लावा में अगर आपको कोई पूछ ले या लिखने को कह दे तो आप बता पाओगे? बता पाओगे? ठीक है, हेडिंग डालिए वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, स्थलाकृतियां, ज्वालामुखीय स्थलाकृतियां। ऐसे लिखते हैं? गलत होगा तो खुद ठीक कर लेना। ऐसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं? हैं? करो, मतलब ये वाला नहीं होगा? कृतियां ये नहीं लगेगी तो मिटा लो फिर स्थलाकृतियां। कौन सी क्या बोलेंगे इसको, ज्वालामुखीय, ज्वालामुखीय स्थलाकृतियां। ठीक है, लिखिए। दो तरह की स्थलाकृतियां होंगी, एक होगा एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, और एक होंगी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव को हिंदी में कहेंगे बाहरी आकृतियां और इंट्रूसिव यानी आंतरिक आकृतियां। बाहरी स्थलाकृतियां और ये आंतरिक स्थलाकृतियां। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एक्सट्रूसिव स्थलाकृतियों की, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा पहले समझा लेती हूँ। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब ये आपकी यहां से लावा आया, ठीक है, लावा आया, ठीक है, लावा को थोड़ा लाल रंग का बनाया जाए। लावा आया, थोड़ा बिखर गया, ठीक है, बिखर गया, एसिडिक लावा की बात कर रही हूँ मैं ये, ठीक है। फिर कुछ टाइम तक कोई एक तरीके से वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ यहाँ हो सकता है जाम हो जाए इसकी पाइप, ये वेंट जो है जाम हो जाए। अब होगा क्या, अगली बार जब आएगा तो थोड़ा सा ब्लास्ट होगा यहाँ पे, जिसके कारण क्या उड़ेगी, ऐश उड़ेगी, ऐश डस्ट पार्टिकल। लावा तो होगा लेकिन पहले ऐश उड़ेगी ना, और डस्ट पार्टिकल्स वो सारे के सारे क्या गिर जाएंगे, इस लावा के ऊपर जो पहले लावा गिर चुका है इसके ऊपर गिर जाएंगे, है ना। और फिर ऊपर क्या चढ़ जाएगा इनके, लावा, फिर गिरेगा क्या, लावा, समझ रहे हो। फिर कुछ टाइम तक नहीं हुआ तो फिर से क्या, अबे तोड़ना दे, अभी अभी बनाया है ये, कुछ ऐसे कड़क हो रहा ना कि कुछ, अच्छा ये वो है, कैमरास फिट कर रहे हैं ना, तो आई थिंक उससे हो रहा है, ये तारे फिट करने के लिए। फिर उसके बाद फिर से ऐश गिरेगी, है ना, फिर से लावा, तो कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी, ठीक है। यानी कि एक लेयर बाय लेयर एक फॉर्मेशन हुई है पूरे इस डायग्राम की, पहले लावा, फिर ऐश का पूरी लेयर, फिर लावा, फिर ऐश की पूरी लेयर, फिर लावा, फिर ऐश की पूरी लेयर, समझो। ऐसा है, ऐसे जो कोन्स होते हैं, कोन बनाने, ये कोन, शंकु, ऐसे कोन्स को कहा जाता है
स्ट्रेटो कोन्स है, वल्केनो का ही एक तरीके से कोन बना है वल्केनिक इरप्शन से, लेकिन क्या कहेंगे हम इसे, लिख लो स्ट्रेटो वल्केनो, परतदार शंकु। अब इसको मैं जरा आपको असलियत में भी दिखाना चाहूंगी, देखना चाहोगे दोस्तों? आ जाओ फिर देखते हैं। कल संडे है ना, काफी अच्छा लगा सुन के, तुम्हें भी लगा? ये हफ्ता मुझे बहुत लंबा लगा है, जबकि मैं तो शादी में भी गई थी। देख लो, दो तीन फोटोज हैं। दिख रहा है सबको ये? ये ऐसा रहेगा या हो सकता है थोड़ा साफ? ठीक है, तो ये क्रेटर बन गया, क्रेटर बन गया है ना। क्रेटर ना बनके कैडलेरा बनता कब बनता? जब ये पूरा ही उड़ जाता ऊपर का, जब ज्यादा पाइप चोक हो जाती है तो फिर पूरा ही उड़ाएगी ये, समझ रहे हो? तो फिर इतना इतना मुंह बनेगा इसका, जिसे हम कैडलेरा बोलेंगे, बड़ा मुंह। तो अब ये देख लो, लेयर्स ऑफ सॉलिड रॉक्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग अर्लियर इरप्शन। समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? समझ गए, आगे बढ़ो फिर। सेकेंड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, लिखिए कंपोजिट कोन। एक सेकेंड, पहले देखो, एक तो इसी में ही मैं बता दूं आपको, एक तो ऐसे वाले बनते हैं ना, ये तो एसिडिक लावा वाला है ना, एसिडिक लावा निकला ना, तो अगर बेसिक लावा निकले ऐसे, तो बेसिक लावा निकले तो वो ऐसे हो जाएगा, इतना इतना बेसिक लावा इतना इतना हो जाएगा, यानी कि कम बनेगा। अब इससे एशेज, ये चोक ही नहीं होगा, समझ रहे हो? ये चोक ही नहीं होगा, इसमें कैसे चोक होगा? ये तो ज्यादा परत, क्या बोलते हैं उसको, पतला है ये एज कम्पेयर टू उसके, है ना, तो ये चोक ही नहीं होगा, तो हर बार निकलेगा, तो इसमें परत की तरह की कुछ ऐसी कोई चीज नहीं बनेगी। तो एक तरीके से ये तो परतदार तो नहीं है, ना ही ये कोन है, ये बेसिक लावा से बना है सबसे पहली बात तो। इसे बोलते हैं शील्ड वल्केनिक कोन, शील्ड वल्केनिक कोन, शील्ड वल्केनिक कोन। अरे ये क्या हुआ? लिखो, शील्ड वल्केनो, किसी ने हिलाई बार से। अच्छा आप कर रहे हैं, शील्ड वल्केनो लिख लिया, लग गया पता। एक और लिख लो, सिंडर कोन, सिंडर, CINDER, सिंडर कोन। सिंडर कोन टाइम ले रहा जागने में। आज मैं कुछ दिखाने वाली थी ना आपको, हाँ कौन तो नहीं लिखा, कौन नहीं, मैंने शील्ड वोल्केनिक कौन लिखा है आपको, कौन मत लिखो, कौन नहीं है वो, शील्ड वोल्केनो। ऐसा नाम है, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं याद कर पा रही हूं। कौन मत लिखना, कौन तो बना ही नहीं, पता नहीं क्यों बोल दिया मैंने वो।
ये इस तरह का शील्ड सी बन रही है ना, डोम डोम बनता है ना, डोम देखा है ऐसे छोटी सी, वैसे उस तरह का बनेगा ये शील्ड वल्केनो, देखो समझे। सिंडर कोन, सिंडर कोन, सिंडर कोन, सिंडर कोन। सिंडर मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो ड्यूरिंग इरप्शन निकलते हैं उन्हें सिंडर। जब किसी वल्केनिक एक्सप्लोजन में होता क्या है कि लावा कम निकलता है, लावा कम निकलता है और गैस और डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स ये ज्यादा होते हैं, समझ रहे हो। यानी लावा कम है और धूल मिट्टी और गैसेस ज्यादा हैं, ठीक है। उस कोन, वो जो बनेगा ना लावा का कोन पूरा का पूरा, उसे हम क्या कहेंगे, सिंडर कोन। समझ आई मेरी बात। बनेगा ये भी एसिडिक लावा से, लेट्स सी कैसा दिखता है सिंडर कोन। लिखा अरे यार वीडियोस, ये तो शील्ड, कहाँ नहीं शील्ड वाला है ये चुप हो जा। अब आएंगे कहाँ यार दिखा, जैसे कि मैंने बताया लावा कम और धूल मिट्टी ज्यादा, सिंडर कोन, समझे। लिखो भी, ये कथा मत सुनो, सिर्फ लिखना भी है और बनाओ भी झूठी, बस बैठ के और फोटो देख के। मैं फोटो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं फोटो दिखा रही हूँ, लेकिन तुम डायग्राम तो बनाओ, तुम सिर्फ देख रहे हो इमेजेस को। ऐसे करके बना लो, एक नॉर्मल कोन बनाओ और उसके ऊपर इस तरीके से कर लो और लिख लो साइड पे, गैस एंड डस्ट पार्टिकल ज्यादा लावा कम। घर जाके याद ही नहीं रहने वाला तुम्हें, हफ्ते बाद देखना तुम्हें याद नहीं होगा सिंडर कोन क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना है सिंडर कोन का, लिख लो माउंट जोरुलो ऑफ मैक्सिको, माउंट जोरुलो ऑफ, माउंट जोरुलो, मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ पाया जाता है, कौन से कॉन्टिनेंट में, भारती जी मैक्सिको कौन से कॉन्टिनेंट में है? गाना सुने मैक्सिको से रिलेटेड, कौन सा, करण औजला का आजा मैक्सिको चलिए, पता भी होना चाहिए मैक्सिको है कहाँ, यूरोप में है। मैक्सिको कहाँ है, मैक्सिको होता है कि मैक्सिको, हाँ मैक्सिको, ठीक है भाई मैक्सिको, क्लियर है भाई, आगे बढ़िए। अगली तरह का जो एक एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म है उसका नाम है पैरासाइटिक कोन, पैरासाइट या पैरासिटिक कोन। अच्छा पैरासाइटिक से आप क्या समझते हैं, ये तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है पैरासाइट, व्हाट आर पैरासाइट, क्या इस शब्द से क्या समझते हो आपकी, क्या है पैरा, मतलब क्यों इनका नाम पैरासाइट डाला गया है। हिंदी में परजीवी, परजीवी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने जीवन के लिए, समझ रहे हो, परजीवी दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाले। तो परजीवी शंकु कहां से आ गया,
मैं आपको दिखाना चाहूंगी सीधा सीधा, ठीक है? चलो पहले बना लेती हूँ, वरना तुम कुछ भी नहीं बना रहे हो। देखो ये थी लैंडफॉर्म, यहाँ से लावा निकलने लगा, ठीक है? लावा निकलने लगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो बना था पहाड़, इसके अंदर भी कोई दरार रह गई हो, अंदर भी कोई दरार रह गई हो, तो ये लावा जरूरी है कि ऊपर ही जाके निकलेगा? जरूरी है कि यहीं से निकलेगा? हो सकता है यहाँ से भी निकले थोड़ा, और साथ में इन पाइप्स के अंदर भी चला जाए, ये जो बगल में दिख रही हैं, इन पाइप्स के अंदर भी चला जाए, जो बगल में दिख रही हैं, इधर भी चला जाए, तो इसके कारण यहाँ पे यहाँ पहाड़ बन जाते हैं, वल्केनो यहाँ भी इकट्ठा हो जाता है ना, समझ रहे हो? तो ये भी तो सूखेगा, ये भी तो सूखेगा, सूखेगा कि नहीं सूखेगा? तो ये परजीवी इसलिए क्योंकि डिपेंड रह रहा है ये किसी और वल्केनो पे, समझ रहे हो? किसी और वल्केनो पे खुद को बनने के लिए ये किसी और के द्वारा बनाया गया है, समझे? सीधा जा रहा था लेकिन दरारों के थ्रू इधर भी घुस गया, तो यहाँ से जो लावा निकला उससे जो कोन्स बनेंगे, इन्हें हम कहते हैं, इन 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 आकृतियों को कहा जाता है पैरासिटिक कोन, समझे आर्यन जी? समझ गए? अब मैं आपको दिखाती हूँ पैरासिटिक कोन, पैरासिटिक कोन दिखते कैसे हैं। ये बना लिया था जो मैंने बनाया आपको, देखा कैसा लगा? सेम, मैंने तीन चार जगह से बना दी थी, इसने इन्होंने एक ही जगह से निकाला है, समझ रहे हो? तो पैरासिटिक कौन कौन सा वाला हुआ? ये वाला, समझे? आगे ये थी आपकी एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, यानी कि जो बाहरी आकृतियां जो दिख रही थी। देखो बाहरी आकृतियों में मतलब मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया आपको अभी, अंदर, समझ रहे हो आप? इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया कि इसको कहते हैं, मैंने सिर्फ इस बाहर की आकृति के बारे में बताया, समझे आप? अब ये अंदर से जो बन रही है ना, इनका नाम अलग है, ये तो इंट्रूसिव है, आंतरिक स्थलाकृतियां हैं, बाहरी बताइए मैंने कि इसे पैरासिटिक कहते हैं, अंदर वालियों को नहीं, समझ रहे हो? तो जो लैंड फॉर्म्स बाहरी, जैसे कि परतदार बना एक तो शंकु, दूसरा बना आपका बेसिक लावा से जो कि शील्ड की तरह बना, तीसरा आपका सिंडर कोन, और चौथा है आपका ये पैरासिटिक कोन, क्लियर है? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, हेडिंग डालिए इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, ठीक है भाई? लिखो जरा, अब एक ही उसमें आ जाएंगी ये सारी की सारी, ठीक है? यानी यहाँ से अगर लावा निकला, यहाँ से जब लावा निकलता है,
ये जब लावा निकला ऊपर तो जो बनेगा वो तो एक्सट्रूसिव हो गया है ना, आंतरिक भी तो कुछ स्थलाकृतियाँ बनेंगी, आंतरिक भी तो बनेंगी। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से अगर बनता है, इस तरीके से, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से बनता है, या फिर कुछ इस तरीके से कोई आकृति बनती है, इनको नाम दिए गए हैं अलग अलग, समझे, या फिर कुछ ऐसा डोम शेप में बनता है नीचे जहाँ बन रही थी, या फिर ऐसी बनती है, इसलिए बना रही हूँ मैं अपनी मर्जी से, नहीं मशरूम बना रही हूँ। ऐसी कोई स्थलाकृतियाँ जब बनती है ना, इनको नाम दिए जाते हैं, ठीक है। जो इस तरीके की बनती है बेसिकली, इसे कहा जाता है डाइक, डाइक्स। जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बने, ये थोड़ी वर्टिकल है ना और ये हॉरिजॉन्टली बने, इसे कहा जाता है सिल या शीट, सिल और शीट, सिल और शीट। ये कनकेव मिरर की तरह दिख रही है आपको, तो कनकेव अवतल, इसे लार्ज डोम शेप कहेंगे, ये डोम की तरह है ना, डोम की तरह, लार्ज डोम शेप। लार्ज डोम शेप इसे लैकोलिथ, लैकोलिथ इसे फैकोलिथ, लिथ का मतलब पता है ना क्या होता है, रॉक, ठीक है, फैकोलिथ, ठीक है। ये जो लार्ज डोम साइज नहीं है, इसे बैथोलिथ कहते हैं, बैथोलिथ। तो तीन ये लिथ याद रखने हैं आपने, फाइकोलिथ, बैथोलिथ एंड लैकोलिथ, और इसे लोपोलिथ। ये कनकेव शेप में है ना, और ये कन्वेक्स शेप में है, देख रहे हो आप, ये कनकेव की शेप में है, ये कन्वेक्स की शेप में है। इसका नाम कनकेव नहीं है, इसको वैसे लैपोलिथ कहते हैं, लैपोलिथ, लैपोलिथ, दिख रहा है, लगा पता। ये इंटरनल आकृति है, जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि अंदर भी तो दरारें होती हैं, अंदर भी तो मैग्मा जा सकता है, और मैग्मा कुछ ऐसी ऐसी शेप ले सकता है, ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो जब ये ऐसी कुछ तरीके की शेप लेगा तो बस इन इन तरह के नाम इनको दे दिए जाएंगे। ओए हे, क्या हो गया, इसको चक्कर आ गया, तूने किया ना ये, इतनी मुश्किल से खड़ा किया था, अब देख फिर टांग उसकी टेढ़ी होगी, ऊपर से ये ऐसे लटक रहा है ना, ये खराब कर देगा इसको। ठीक है भाई, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है सबको, क्लियर है। चलो अब इसको ही कंसाइज करके लिखती हूँ, इस सभी को कंसाइज वर्जन वर्जन में लिखती हूँ। लिखिए वोल्केनिक लैंडफॉर्म कंक्लूजन, पूरे के पूरा जो अभी तक पढ़ा हमने, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स दो तरह की पढ़ी, एक एक्सट्रूसिव और दूसरी ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, बाहरी स्थलाकृतियां और आंतरिक यानी इंट्रूसिव, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। एक्सट्रूसिव में हमने एक तो पढ़ा जो फीजर से बनेगी, जो फीजर से बनेगी, फीजर यानी डाइवर्जेंस के टाइम पे जो फीजर एक दरार बनती है उससे बनेगी, या तो बनेगी सेंट्रल, सेंट्रल यानी वही वाली, ठीक है। तो फीजर में क्या क्या बनेगा आपको कल भी मैं बता चुकी हूँ, प्लेट्यू,
एंड सी फ्लोर, यही बनता है, यही बनता है, यही तो बनता है। सेंट्रल में क्या क्या बनेगा डिपेंड करता है कि लावा कौन सा था, एसिडिक या बेसिक। तो एक तो एसिडिक लावा कौन बनेगा, ठीक है, एसिडिक लावा कौन में, एसिडिक वाले लावा कौन में कौन, कितने तरह की स्थलाकृतियां बनेंगी। एक तो कॉम्पोजिट और दूसरा आपका ये स्ट्रेटो। कॉम्पोजिट में वही है सिंडर, सॉरी नहीं नॉर्मल है, स्ट्रेटो परतदार। फिर आता है शील्ड, शील्ड वोल्केनो या शील्ड बेसिक कोन। फिर आता है सिंडर और लास्ट में पैरा साइटिक। क्लियर है। इंट्रूसिव में कौन कौन से आएंगे, इंट्रूसिव में बताइए, इंट्रूसिव में कौन कौन से आएंगे जल्दी बताओ। ऐसे लिखना है, अगर हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल यानी लेटा हुआ, तो स्लिट या सॉरी स्लिट नहीं है, सिल है वो, सिल एंड शीट, सिल एंड शीट। अगर वर्टिकल में यानी कि या तो ऐसे पूरा खड़ा हो या तो थोड़ा सा भी टेढ़ा हो, वर्टिकल होगा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है वर्टिकल, वर्टिकल पता है ना आपको क्या मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, वर्टिकल क्या होता है, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे, वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल की अगर बात करें तो अगर वर्टिकल में कोई लैंडफॉर्म इंटरनली दिखेगी तो उसे कहा जाएगा डाइक्स। अगर कन्वेक्स की लेंस में दिखेगी तो होगा ये लैकोलिथ। अगर कनकेव तो, कनकेव हुआ तो लैपोलिथ, लैपोलिथ। और अगर एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, मतलब इस तरीके से एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन कुछ इस तरीके से हुआ तो क्या बोल देंगे इसे, फैकोलिथ, फैकोलिथ। और अगर लार्ज डोम शेप साइज्ड होगा तो होगा ये बैथोलिथ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये बात सबको समझ आई, इजी है, कुछ नहीं है। बैथोलिथ, ठीक है भाई, इतना काफ़ी है आज के लिए, बाकी मंडे को करेंगे, लेकिन मंडे को आने से पहले थोड़ा रिवाइज करके आना। टेस्ट लूँ, वो मेरी मर्जी है, सरप्राइज दूंगी अगर लूँगी तो, वरना नहीं लूँगी। ले भी सकती हूँ, नहीं भी ले सकती हूँ, समझे उर्मिला। एक बार उस पर देखे, इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, हॉरिजेंटली है, हॉरिजॉन्टली है, तो इसको सिल का, सिल का नाम दिया है इसको, सिल का, दिख रहा है आपको, सिल या फिर शीट, ठीक है। वर्टिकली दिख रहा है ये बैथोलिथ, जो लार्ज शेप थोड़ा सा डोम शेप होगा बड़ा, उसे ये दे दिया गया है। लैकोलिथ किसे कहा था हमने, जो कनकेव कि उसमें हो, डाइक जो वर्टिकल हो, बाकी इन्होंने दिए ही नहीं है। लैकोलिथ, बैथोलिथ,
फैकोलिथनी दी है, ठीक है ठीक है, देख लेना एक बार घर जाके, आज के लिए इतना काफ़ी है।